जवाब नहीं है। जहाँ जाट खड़ा आर एल डी से वहाँ मुसलमान वोट नहीं दे रहा, जहाँ मुसलमान खड़ा हुआ जाट वोट नहीं दे रहा। ये आपस में जो 2013 में दंगा हुआ है और जिसमें जिसने अपना बाप खो दिया, भाई खो दिया, चाचा खो दिया, ताऊ खो दिया, बेटा खो दिया, वो इतनी आसानी से दाग भरने वाले नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन का कोई असर नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 36 सीट जो है वो आर एल डी के खाते में आई है, 36 में से अगर 6 भी चयन जीत जाए तो उसके लिए धन्यवाद कहना। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी आँच यहाँ तक आएगी? बिल्कुल है, मुजफ्फरनगर से पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो झुलसा है उसमें। और कल बहन जी ने अमरोहा में उस बात का जिक्र किया कि जब जब क्या नाम है दंगे होते हैं उसमें मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो दंगा है ना, दंगा एक पीढ़ी को ख़त्म कर देता है। आज से 13 में 2000 दंगे हुए थे, आज से 8 साल पहले दंगे हुए थे। 8 साल पहले जो बच्चा अपनी माँ की कोख में था और उसका बाप मर गया होगा, आज वो बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, वो पूछता होगा, अभी बोलना सीखा, स्कूल जाना सीखा है, मेरा बाप कहाँ है। तो वो दंगे इतनी आसानी से भरने वाले। गन्ना वेल्डर, गन्ना और जिन्ना की बात चल रही है, कुछ नहीं होना, गन्ने का क्या होना, गन्ना का रेट सबसे ज्यादा बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया था, ये सबको पता है। बहन जी ने कितनी बार कहा है, बहन जी ने कहा कि जी हमने, बहन जी ने कल भी, बहन जी ने गाजियाबाद में भी जिक्र किया कि हमने कहा कि या तो किसान मालिक जो है वो मील मालिक जो है गन्ने वाले का पैसा देना था, मील बंद कर दें। तो बहन जी ने गन्ने का रेट सबसे ज्यादा बढ़ाया, किसानों के साथ वो खड़ी रही, तो ऐसा नहीं है। बहन जी हमेशा से किसान के साथ खड़ी रही है और ये बात किसान खुद कहते हैं, ये राकेश शिकायत खुद कह चुके हैं कई बार कि हमें तो बसपा सबसे अच्छी थी। लेकिन सर जिन्ना का भी तो बात उठाई जा रही है, जिन्ना का भारत से क्या लेना देना है? ये लोग जो जिन्ना पर राजनीति कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ बेमूर्ख आदमी है, पागल आदमी है। तो गन्ने वाले जिन्ना को अपनाएंगे? नहीं, क्यों अपनाएंगे गन्ना वाले? गन्ना वाले भारत में रहते हैं, वो गांधी को अपनाएंगे, अम्बेडकर को अपनाएंगे, फूले को अपनाएंगे, कबीर को अपनाएंगे, उनका जिन्ना से क्या लेना देना है? तो फिर अखिलेश क्यों जिक्र कर रहे हैं? अखिलेश को लग रहा है कि जिन्ना कह दूंगा तो मुसलमान थोड़ा सा मेरी तरफ पक्का हो जाएगा, और अगर मुसलमान के जिन्ना के नाम से मुसलमान वोट कर रहा तो मैं तो मुसलमान को मूर्ख मानता हूँ, कि तुम्हारा जिन्ना से लेना देना क्या है? तो जिन्ना से तो कोई लेना देना है नहीं, जिन्ना हमारे लोकतंत्र में कहीं ठहरता नहीं है, जिन्ना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अलग, हमारी जो डेमोक्रेसी वो अलग तरीके की, वहाँ जिन्ना जैसा कट्टरपंथी आदमी नहीं, वहाँ पोलाइट आदमी चाहिए, वहाँ गांधी की जरूरत है, वहाँ अम्बेडकर की जरूरत है, वहाँ फूले की जरूरत है, कबीर की जरूरत है, नेहरू की जरूरत है। आज़ाद भारत में जितने लोग हों तम लोगों की हमारी एक विचारधारा है इस देश की, अगर हम देश की बात करें तो ये कहना बड़ा कठिन है। इसी क्षेत्र को लेकर, मुजफ्फरनगर को, कैराना को लेकर योगी जी ने कहा कि यहाँ जो गर्मी है ना मार्च के बाद ना वो ठंडी हो जाएगी। हाँ, तो उसका भाषा समझिए ना मुख्यमंत्री की, आप उसका मतलब क्या है कि जो गर्मी है किसानों में है, ये मार्च के बाद जब दोबारा सरकार बनेगी तो योगी जी ठंडा कर देंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं ना वो। अब ये वोटर को तय करना है, ये वोटर को तय करना है हर तरीके से कि वो अपनी गर्मी शांत करवाना चाहता है या बाबा जी की गर्मी शांत करके जो दोबारा गोरखपुर भेज देना चाहता है। कहना चाह रहे हैं किसी और को? नहीं नहीं, किसानों को भी, मुसलमानों को भी, दलितों को भी, जो लोग इन सरकार में पिटे, ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पिटा है, तो खासतौर से इस बेल्ट में, क्योंकि दलित है, मुसलमान है और किसान है, तो वो जो चाहे तो वो शब्बीरपुर सहारनपुर कांड सरकार के खिलाफ हुआ हो, चाहे किसान एक साथ लामबंद हुआ हो सरकार के खिलाफ, तो सरकार को वो कहीं ना कहीं डर है। अगर योगी जी इस बात को कह रहे हैं तो उनको ये डर है कि जिस प्रकार से मतलब सरकार को घेरा है किसानों ने, दलितों ने, मुसलमानों ने, तो वो उनको डर है और वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे खिलाफ ये जो आंदोलन चलाया इनकी गर्मी हम शांत करेंगे। तो ये यहाँ के जो लोकल वोटर है पश्चिम का, उसको समझनी चाहिए ये बात। लेकिन कई ऐसी सीटें जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बड़ा प्रभाव डालेंगे, सहारनपुर, आप भी हैं, मैं भी हूँ, 10 तारीख के बाद में आप भी मुझसे मिलना, मैं भी मिलूंगा। अगर चंद्रशेखर को सीट पर कोई एक सीट पर 500 वोट भी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी गाँव घूमाऊँ, क्षेत्र घूमाऊँ, मुझे पता है कि हवा तो टीवी पर योगी की सरकार बनी है 300 पार, ग्राउंड की तो आपको ही पता है ना, आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, कितनी सीट आएंगी? अगर इतनी आसानी से योगी जी की सरकार बननी होती तो गृहमंत्री गली गली थूक लगा कर पर्चे नहीं बांट रहे होते। चंद्रशेखर कुछ भी कहने लगे यार, कोई लोकतंत्र हर आदमी को बोलने का अधिकार है, चंद्रशेखर के साथ तो चंद्रशेखर घर वाले नहीं है, कहते हैं जहाँ दलित पिटते मैं जाता हूँ। ओहो यार, वही वाली बात होगी कि दलित जहाँ पिटते मैं जाता हूँ। भाई तुम जाते हो, तुम अच्छी बात है, जाना चाहिए ना, तुम नेता बन रहे हो, जाना चाहिए, कौन सी चीज़ में बुराई बात है भाई? समाज का मामला, हम नहीं जाते, आप नहीं जाते, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट हम भी तो जाते हैं ना, हमारा कौन सा, हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? चंद्रशेखर तो इसलिए जा रहा है उसे चुनाव लड़ना है, राहुल नागपाल को कौन सा चुनाव लड़ना है, गजेंद्र को कौन सा चुनाव लड़ना है? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि जहाँ भी हमारे समाज का शोषण हो, हम जिस लायक भी हैं उस लायक उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। बहन जी उस बात को दोहराएंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी मुझे उम्मीद है, और बहन जी की पुरानी 4 स्पीचों को हम लोग सुन रहे हैं बार बार, और जितना बहन जी को मैं जानता हूँ, एक दो मुलाकात बहन जी से जो हुई है और जो उनका बात करने का तरीका है, आज बिल्कुल यहाँ वो चाहे तो क्या नाम सहारनपुर शब्बीरपुर कांड हो और चाहे किसानों का मामला हो, दोनों मुद्दों पे खुलकर बोलेंगे। आप बहन जी को सुनना, किसानों के लिए बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके फसल के लिए भी, लेकिन किसान इस बार के बहन जी की तरफ जाएंगे, गठबंधन की तरफ जाएंगे? मैंने बताया ना आपको, ये पहली बता दिया कि जहाँ आरएलडी ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करा है वहाँ तो जाट वोट नहीं दे रहा उसको, और जहाँ उसने जाट प्रत्याशी खड़ा करा वहाँ मुस्लिम वोट नहीं दे रहा,
जाट भी 60-40 हो रहा है, 60% आरएलडी में जा रहा है, 40% बीजेपी में जा रहा है। तो ये तो सच्चाई है ना, मुसलमान उसको वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन सफल नहीं है, बिल्कुल सफल नहीं है। 36 सीट में से अगर 6 जैन जीत जाए तो हमारी शुभकामना उसके साथ है भाई, अपना कोई दिक्कत थोड़ा ही है। सहारनपुर में 2019 का अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का सांसद जो है वो जीता था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो जनमानस है, वो बसपा को लाइक करता है, बहन जी को पसंद करता है, बसपा की नीतियों में विश्वास रखता है और आने वाले 10 तारीख को जो चुनाव है उसको यहाँ बसपा को वोट पड़ेगा, ये स्पष्ट है, इसमें कोई धुलमुल नहीं है। देखिए, दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, नेता एक्सीडेंटल नेता होना और ज़मीनी नेता होना, दोनों में फ़र्क है। बहन जी एक दिन में तैयार नहीं हुई, मान्यवर साहब एक दिन में तैयार नहीं हुए, बाबा साहब एक दिन में तैयार नहीं हुए, तमाम जो बड़े नेता हैं जिनको महापुरुष कहते हैं वो एक दिन में तैयार नहीं। उसके लिए बहन जी ने हजारों किलोमीटर की साइकिल चलाई है, बहन जी ने हजारों किलोमीटर का सफ़र किया है, बहन जी ने लोगों को तैयार किया, गांव-गांव में जाकर के रात रात को रुक करके कैडर दिया, तब जाकर के बहन जी को लोगों ने नेता स्वीकार किया है। ये जिनकी बात आप कर रहे हैं ये एक्सीडेंटल नेता हैं, एक हादसा हुआ, कुछ लोग जेल गए, कुछ आगजनी हुई, समाज में सहानुभूति हुई और उसके लिए वो नेता उनको बन गए। नेता होना और आंदोलनकारी होना दोनों में फ़र्क है। चंद्रशेखर एक अच्छा आंदोलनकारी हो सकता है, चंद्रशेखर को लोग एक अच्छे आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन नेता के रूप में स्वीकार करना मैं समझता हूँ कभी जल्दबाजी है। चंद्रशेखर ने जल्दबाजी की, जिस प्रकार से पार्टी बना ली उसको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, हमने तो कहा उसको भी। अभी क्या है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी या सर्व समाज में जो गरीब जन में लोग हैं उनकी पार्टी है। चंद्रशेखर जो है वो अभी, मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, नहीं नहीं मैं अपनाना तो दूर, वो इतनी जल्दबाजी में इतना गर्म खा गए कि 2022 के चुनाव में मुझे डर है कि वो कहीं सहारनपुर, छब्बीरपुर और छोटमलपुर में कहीं घूमता हुआ दिखाई ना दे हमारा भाई। तो जल्दबाजी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, समय था और कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन आप क्या साबित करना चाहते हो? आप कहीं 500 कहीं 400 कहीं 1000 वोट काट करके बसपा को कमज़ोर करना, क्या प्लस इससे होगा क्या? तो ये जो लोग हैं चंद्रशेखर टाइप के जो लोग हैं जो दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, बहन जी कितनी बार कह चुकी हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी और RSS के हाथ में खेल रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। कितने वोट कटेंगे, कहाँ कटेंगे? रामपुर मनियारण पर रविंद्र कुमार मोलू चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण क्या है? देखिए, जातीय समीकरण ये है कि यहाँ मुस्लिम जो अच्छी तादाद में है, दलित समाज भी अच्छी तादाद में है, दोनों अच्छी तादाद में है और प्रत्याशी को अपना वोट मिल जाता है तो यहाँ पर सीट निकालना किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझता हूँ साथ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 7 विधानसभा क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ 7 के 7 बसपा निकाल जाए। और पहले भी ये चमत्कार हुआ 2007 से 2012 में जो बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसमें भी बसपा यहाँ अच्छी सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, सहारनपुर के जो लोकल मुद्दे हैं, अभी जैसे आपने कहा कि जो शब्बीरपुर कांड है उसमें, शब्बीरपुर कांड इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है हमारी दृष्टि से, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि उस कांड के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकती तो मुझे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहन जी ने बड़ा काम किया है। ये लोग जो घूम रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं जी चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी तो ट्यूटर खेल रही हैं, बहन जी जिस जब चंद्रशेखर की उम्र में बहन जी थी तो बहन जी साइकिल से रोज 50 किलोमीटर सफर करती थी, चंद्रशेखर फॉर्चूनर में घूमता है, मुझे बताव देकर उसको ये भी समझना चाहिए। और समय है ना सर, समय है मैं मानता हूँ, उस समय भी चाहती तो बहन जी समाज से चंदा लेकर के जीप खरीद सकती थी, लेकिन बताता कि हमारा समाज गरीब है, 2-2 रुपए की पर्ची कटवा करके तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी चलती थी। समाज के ऊपर बहन जी ने कभी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला, समाज को राजा भी बनाया, 4-4 बार सरकार भी बनाई और सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डाला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए।